वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Keep watching Dil Apna Pakistan. Long live Canada. Long live Canada. Long live Canada. Dil Pakistani hai, Dil Pakistani. Vancouver ki jaan, Dil Apna Pakistan. हैप्पी कनाडा डे टू यू। आप सबको कनाडा डे बहुत बहुत मुबारक हो। दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमामीर और मेरे साथ हैं इंतखाब अहमद आपके साथ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 150 इयर्स हो गए हैं कनाडा को बने हुए और ये जो पूरा साल है ये सेलिब्रेशन का साल है। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है जो 1 जुलाई जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस मरतबा जो है ये राउंड द ईयर एक्टिविटीज़ रही हैं, सेलिब्रेशंस रही हैं। जी बिल्कुल, ऑटावा में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई है, हर सिटी हर सूबे के प्रोविंशियल दारुलकूमत और बड़े शहरों में भी और म्यूनसिपैलिटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा तकारीब हो रही हैं। जी, और एक जो ख़ास तकरीब यहाँ होती है वैंकूवर में वो होती है कनाडा डे पर परेड, जिसमें कनाडा में बसने वाले मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपनी अपनी सकाफत का प्रचार करते हैं। यहाँ पर परेड होती है डाउनटाउन में और इस वक्त दिल अपना पाकिस्तान की टीम मौजूद है डाउनटाउन में और यहाँ हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से लोग अपने अपने सकाफती लिबास जेब तन करके आए हुए हैं और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कल्चर के बारे में हमें पता चल रहा है। इंतखाब साहब, बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान का भी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो के कलर इकट्ठे हो गए हैं और लोगों के लिबास की वजह से भी और डिफरेंट कंट्रीज़ के एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के लोग, लेकिन सब एक ही झंडे तले यहाँ पे जमा हैं, वो है कनाडा का झंडा। और परेड तो शाम में होती है, सेलिब्रेशन सुबह से शुरू हो जाती है। हम आपको ज़रा अपने वैंकूवर के डाउनटाउन का हाल बताते हैं कि यहाँ पर वाटर फ्रंट पर जो है वो म्यूज़िक भी होता है, लाइव म्यूज़िक होता है 2-3 जगह पर। जैक पूल पर भी म्यूज़िक हो रहा है और जो वाटर फ्रंट है वहाँ पर भी म्यूज़िक हो रहा है लाइव। इसके अलावा मुख्तलिफ जो खाने के चीज़ें हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारी फ्री सैम्पलिंग हो रही है तो लोगों को मुफ्त में पिज़्ज़ा और ड्रिंक्स वगैरह भी मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको पता है हमें आज शाम में जो वो होगी फायरवर्क होगा। अरे फायरवर्क तो मेरा पसंदीदा है, आई सी लगता है। और ये फायरवर्क जो है वो रात में होता है, सूरज ढलने के बाद शाम में परेड। तो हम ज़रा जो है आपको एक हाल दिखाते हैं परेड का, ज़रा देखें फिर जो है हम आपको जो पाकिस्तान का हमारा फोर्ट बना है उस पर आपको ले जाएंगे। पहले ज़रा आप देखें कि कैसी ये परेड हो रही है। बिल्कुल, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान हम अमीर और इंतखाब के साथ। Pakistan
पाकिस्तान। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान डॉक्टर हुमा अमीर और इंतखाब अहमद के साथ, और कनाडा डे की सेलिब्रेशन है, डाउनटाउन में हम इस वक्त मौजूद हैं। और इंतखाब साहब, जहां दुनिया के दीगर ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जो पाकिस्तानियों का पार्टिसिपेशन है वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर एक फ्लोट बनाया गया है जिसमें बच्चे हैं, नौजवान हैं, और बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं बाकायदा। यहाँ पर जो है हमें अपने कल्चर को नज़र आ रहा है, हमें अपना बच्चे इलाकाई लिबास में मलबूस हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने जो हमारे पाकिस्तान का झंडा है उसके कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रीन एंड वाइट पहने हुए हैं। इट रिप्रेजेंट पाकिस्तान का झंडा रिप्रेजेंट करता है। और मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जितनी यूनिटी से रहते हैं, जितनी पाकिस्तानियत दिखाते हैं। जी हाँ, और अपने वतन में भी हमने जो मोहब्बत, अकूत, भाईचारा नज़र आता है वो मुल्क से बाहर भी नज़र आता है, बल्कि ज़्यादा नज़र आता है। ज़्यादा, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो फैमिलीज हैं वो जो गेट टुगेदर करती हैं, हम उन्हें पहले से नहीं जानते। अब यहाँ पर आके जो हमारी मुलाकातें हो रही हैं जो लाइक माइंडेड लोगों से, और वो ऐसे लगता है कि हमारा खानदान बनता चला जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से कहा गया कि भारत खान की तरह यहाँ पर वहीं पर जो पाकिस्तान का रंग है वो सबसे नया है, सबसे खूबसूरत है। और पाकिस्तान के जब झंडे के तले हम जमा हो रहे हैं और पाकिस्तानी जब परेड का हिस्सा बनते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है, हमारे क्या जज्बात होते हैं, इसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। बस अपने पाकिस्तानी होने पर, पाकिस्तान से अपने ताल्लुक पर बिल्कुल हमें बहुत बहुत फख्र है। तो नाजरीन, आप आइए, हम आपको फ्लोट की तरफ लिए चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हैपनिंग्स हो रही है इस इवेंट पे। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। खुश जायका मिठाइयाँ खानी हो या निपको खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाइयों का लुत्फ उठाइए। मिठाइयाँ, निमको, चना पूरी, केटरिंग और बहुत कुछ। पाक पंजाब स्वीट्स 128 और 96 के कॉर्नर पर, पाक पंजाब स्वीट्स। Dil Pakistani, Dil Pakistani.
वैंकूवर में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद तारिक यहाँ मौजूद हैं और आज जो कनाडा डे पर यहाँ डाउनटाउन में परेड हो रही है उसमें जो पाकिस्तानी ग्रुप है, जो पाकिस्तान का फ्लोट है, पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में और पाकिस्तानी को प्रमोट करने में कॉन्सुलेट का और हमारे कॉन्सुलेट जनरल डॉक्टर मोहम्मद तारिक का बहुत बड़ा किरदार है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस मौके पर? जैसा कि आपको पता है ये तीसरा कनाडा डे परेड है जिसमें कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट कम्युनिटी के तावन से मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है और हर साल हमने देखा है कि एक इम्प्रूवमेंट देखने में आई है। पहला परेड जो ना बड़ा हम्बल किस्म का था और उसके बाद दूसरा बेहतर था, तीसरा इससे भी ज़्यादा अच्छा है। कम्युनिटी ओवरविलमिंगली पार्टिसिपेट कर रही है और बेसिकली हमारा फोकस ये है कि यहाँ जो पाकिस्तानी ओरिजिन की कैनेडियन थी उनको ये दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिले और वो अपने आप को एक प्राउड पाकिस्तानी कैनेडियन की हैसियत से अपने आप को मनवाएं और ये एक बहुत बड़ा मौका है जो कि यहाँ इस मौके पे तकरीबन कोई 5 लाख से ज़्यादा लोग इस परेड को देखते हैं, स्पेक्टेटर्स वहाँ पर आते हैं। उसके अलावा मीडिया के कई चैनल्स पे जो ने इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया तो एक बहुत अच्छा इवेंट है और जिस तरह से पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने इसको प्रमोट किया है और जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जहाँ पर इस परेड में बहुत सारे दीगर ममालिक के लोगों ने वहाँ पर जो है वो परेड में हिस्सा लिया, वहाँ पाकिस्तान का कलर बहुत प्रॉब्लम था, पाकिस्तानी बहुत जोशोखरोश उसमें शरीक हुए हैं और जो हाजरीन थे वो भी पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा थी और इस मरतबा बड़ा ऑर्गेनाइज था, बहुत बेहतर था पहले के मुकाबले। जी जैसे मैंने बताया कि पहले भी बता चुके और थोड़ा सा लाउड बोले क्योंकि यार लोग बहुत हैं, रश बहुत है, बहुत गहमी है, हम चाहते थोड़ा सा आप लाउड बोलें। जी जैसे कि मैंने पहले बताया कि जी हर साल जो है लोगों का जोश और खरोश बढ़ता है, मैं कॉन्सुलेट का हाथ तो है, हमने इनिशिएट किया है लेकिन ऑब्वियसली कम्युनिटी के तावन के बगैर नहीं हो सकता और ख़ास तौर पर हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और उसमें जो यंग लोग हैं वो सामने आएँ और ताकि मुस्तकबिल में जो खुद जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ में वो शरीक हों और जैसे कि बाकी कम्युनिटी जो वो खुद ही पार्टिसिपेट कर रही तो उस पर भी अगले चंद सालों में शायद वो खुद ही जो ना खुद ब खुद उसको पार्टिसिपेट करेंगे और उसको एक नया जो है नाज़रीन। पाकिस्तान के वाइस कौंसल फहद अमजद इस वक्त यहाँ मौजूद है डाउनटाउन में और कनाडा डे के हवाले से जो परेड होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। फहद, बहुत अच्छी परेड हो रही है और पाकिस्तान का जो फ्लोर है, पाकिस्तान जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत एक तो आपने दिल अपना पाकिस्तान में आपने मौका दिया तो इस तरह आपको जैसे पता होगा कि लास्ट 3 ईयर से हम लोग कॉन्सुलेट और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये तीसरा साल है। इस दफ़ा हम लोगों ने कोशिश की है कि जो 4 प्रोविंसेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और जो उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उसमें बच्चे और जो लड़कियाँ हैं उन्होंने शामिल हुए हैं और जैसा कि आपको पता है कि 150th है इसकी एनिवर्सरी है कनाडा की तो उस लिहाज से भी एक ये टोकन होता है कि आप अपनी जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी और तो इस लिहाज से अच्छा हमारा था और एक हमने एक फ्लोट था पीछे उसको हमने डेकोरेट किया था विद ट्रेडिशनल जो है पाकिस्तानी उसके ऊपर हमने वो मॉन्यूमेंट्स के स्टिकर्स वगैरह लगाए थे और कैनेडियन फ्लैग्स और पाकिस्तानी फ्लैग्स ओवरऑल इट वाज गुड शो। जी हाँ, बहुत दिनों से मेहनत हो रही थी और बच्चे रिहर्सल भी कर रहे थे इस परेड के लिए तो उसके बारे में कुछ कहिए। हाँ जी, इस पे जो है हमने एक कमेटी बनाई थी पीछे रमज़ान से पहले तो उसमें मुख्तलिफ जो है ख़वातीन और जो है मर्द हज़रात इसमें शामिल थे तो वो ओवरऑल इसको जो है मतलब कॉपरेट कर रहे थे और इसमें काफ़ी उन्होंने मेहनत की है स्पेशली बुशरा ने और इसमें यानी कि उन्होंने इसकी रिहर्सल वगैरह थी कल भी थी एक सरी में तो बड़ा अच्छा है इसमें ओवरऑल अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू।
ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد یہاں پہ پریڈ ہو رہی ہے, یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ڈاؤن ٹاؤن وینکوور میں, اور ڈفرینٹ قسم کے فلوٹس ہیں, پوری دنیا کے فلوٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, تمام پاکستانی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, حسیب ہمارے ساتھ ہیں ینگ کپل, آج انہوں نے ایک ریوارڈ بھی جیتا ہے اپنے فنکشن میں, اور کچھ کہنا چاہیں گے میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا جو پریڈ اٹینڈ کر رہے ہیں ویری ویری نائس, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایک پریڈ کینیڈا کی پریڈ اٹینڈ کر رہے ہیں, لائک ملٹیکلچرل پریڈ یا لائک گروپ ہے پاکستان سے باہر رہتے ہیں کانفرنس ویری بگ ایونٹ, اور آپ کی ٹیم کا اور ایون اسپیشلی پاکستانی ایونٹس جو ہم نے بھی گیٹ ٹو گیدر اٹینڈ کیا ہے مارننگ آفٹر ڈیٹ از وی آر ریئلی فرینڈس فیلنگ ویری گڈ. میری وائف میرے ساتھ ان کو دو مہینے آیا ہے, یہ کہتی ہے مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں پہ ہمیں فیل ہو گیا ہم اپنے ملک کے ملک, بالکل بہت اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں یہاں پہ, اور سمر از فل آف ایونٹس یہاں پہ, اور بہت سنی ہے برائٹ ہے یہاں پہ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے, تو دل اپنا پاکستان کی طرف سے کوئی میسیج کو میسیج دے دیں گے, ہم ہماری طرف سے یہی میسیج ہے کہ یو آر ڈوئنگ ریئلی ویری گڈ جاب لائف, اینڈ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ آگے آتے ہیں, ہمارے فیسز آگے آتے ہیں, وہاں کو پتا لگتا ہے, اینڈ اٹ از ویری گڈ اپرچونیٹی فار آل آف پاکستانی, وی آر کوائٹ ہیپی ان دس کنٹری اینڈ اسٹے بلیس, ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کینیڈا ڈے کی, دل اپنا پاکستان کی طرف سے ہیپی کینیڈا ڈے, دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان, اور اجازت دیجیے ڈاکٹر عمیر اور انتخاب احمد کو, وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان.
अपना दिल अंदर बसा चिड़िया मौत पवारा हसा मगरों हंस हंस ताड़ी मारी बेदर पाकिस्तान। खुश जायका मिठाइयां खानी हो या निमको खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाइयों का लुत्फ उठाइए। मिठाइयां, निमको, चना पूरी, केटरिंग और बहुत कुछ। पाक पंजाब स्वीट्स 128 और 96 के कॉर्नर पर पाक पंजाब स्वीट्स।